डियर स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आज हम इस वीडियो में सॉल्युबिलिटी के बारे में पढ़ेंगे। सॉल्युबिलिटी मींस सॉल्यूट की डिसॉल्व होने की एबिलिटी या कैपेसिटी 100 ग्राम सॉल्वेंट में। जब कुछ क्वांटिटी अमाउंट सॉल्यूट का 100 ग्राम सॉल्वेंट में डिसॉल्व करेंगे और फिर सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन जाए तो इसको सॉल्युबिलिटी कहते हैं। मैं एग्जांपल देके और आसान करता हूँ। फॉर एग्जांपल, जैसे हमने 100 ग्राम वाटर उठाया, उसमें हमने 20 ग्राम शुगर डिसॉल्व की। अगर और भी शुगर ऐड कर रहे हैं तो डिसॉल्व नहीं हो रही शुगर। तो इससे पता चला कि 100 ग्राम वाटर में शुगर की सॉल्युबिलिटी 20 ग्राम है। अगर हम डबल 200 ग्राम वाटर उठाएंगे तो शुगर की सॉल्युबिलिटी भी डबल होके 40 ग्राम हो जाएगी। ऐसे ही हर केमिकल की सॉल्युबिलिटी अलग अलग होगी। जैसे अगर NaCl साल्ट 100 ग्राम वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो इसकी सॉल्युबिलिटी 12 ग्राम या 15 ग्राम होगी। कहने का मतलब है हर केमिकल की डिफरेंट सॉल्युबिलिटी होगी। नाउ फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑन सॉल्युबिलिटी। कुछ फैक्टर्स हैं जो सॉल्युबिलिटी को बढ़ा देते हैं या कम कर देते हैं। यहाँ हम टेम्परेचर फैक्टर के बारे में डिस्कस करते हैं। सॉलिड सॉल्यूट की लिक्विड सॉल्वेंट में सॉल्युबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के साथ। मतलब टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे सॉल्यूशन का तो सॉल्युबिलिटी भी इंक्रीज होगी। फॉर एग्जांपल, जैसे हम 2 गिलास पानी के उठा रहे हैं, उनमें से एक ठंडा पानी है जिसका टेम्परेचर कम है, उसमें सिर्फ 10 ग्राम शुगर डिसॉल्व हो रही है, लेकिन दूसरे गर्म पानी में जिसका टेम्परेचर ज़्यादा है उसमें 18 ग्राम शुगर डिसॉल्व हो रही है। इससे साबित हुआ कि टेम्परेचर ज़्यादा होने की वजह से काइनेटिक एनर्जी सॉल्वेंट की बढ़ती है तो डिसॉल्व होने की एबिलिटी भी बढ़ती है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक सॉल्युबिलिटी।